इसको भी सेटिंग इसके ऊपर ये रखा हुआ है। ठीक इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आप आज का चलो प्रैक्टिस प्रैक्टिस खेलते हैं। एक हुआ करता है जिसके बारे में जानकारी आपने पूछी, एक बच्चे ने कि सर स्टोन ब्रिज प्रैक्टिस करना है, बहुत दिन हो गए, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन क्या है यार, सबसे आसान आइडिया है, ट्राई कर लो। अरे किस नेट से कनेक्टेड है ये? रहने दो रहने दो। हाँ म्यूट कर लो अपने आप, उसको ही बंद कर दो या फिर से ऑन कर दो। एक मिनट थोड़ा सा करो, वाला बड़ी इंटरनेट पर छोड़ो। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसे ट्राई करना।
एक था क्रिचॉफ्स लॉ, अब म्यूट कर दो उसको भी, म्यूट उसका स्पीकर भी बंद कर दो। किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ हैं इसके। एक लॉ कहता है एट ए जंक्शन आई इन इक्वल्स टू आई आउट। इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी देर डिवाइस करते हैं फिर दूसरा टॉपिक डिवाइस करेंगे। आई इन इक्वल्स टू आई आउट। सेकेंड, दूसरा आता है आई इन आई आउट और दूसरा आता है लूप रूल। ये जो पहला था इसे हम कहते थे जंक्शन रूल और यहां जो दूसरा आ रहा है इसे हम लोग नाम दे रहे हैं लूप रूल। अब लूप रूल का क्या कहानी है? इन साइक्लिक ऑर्डर सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स रेजिस्टेंस सेल ऐसे मे बी आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर इंडक्टर सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स विल बी जीरो के मीनिंग को चित्र बनाकर मैं समझा रहा हूं। यहां देखिए कई बैटरी है कई रेजिस्टेंस है और हम एक साइक्लिक ऑर्डर में चलना चाहते हैं। जैसे ये 10 वोल्ट ये 2 ओम ये 3 ओम ये 5 ओम ये 6 ओम ये 15 वोल्ट ये 5 वोल्ट। अब यदि मैं यहां आपको कहता हूं कि लूप रूल क्या कहता है तो ये एग्जांपल मत समझिए, ये लूप रूल समझिए, ये क्वेश्चन वैसे ही आंसर आप कर देंगे मुझे पता है, लेकिन लूप रूल क्या कहता है उसको देखने का एक नजरिया लीजिए। आप यदि यहां लिखते हैं ना A, B, C, D, E, F, G, तो जितने एलिमेंट हैं उन हर एक के दोनों तरफ नाम आ जाए इस तरह से नेमिंग कर ले। ये लूप रूल आप कहां अप्लाई करने की अभी आप सोच रहे हैं? इन लूप A, B, C, D, E, F, देखो इतने ही लाइन में तो ये तो आ ही नहीं रहा है।
ए बी सी डी ई एफ जी और वहां से वापस ए तक, इन लूप ए बी सी डी ई एफ जी ए। अब इस लूप में आप क्या देखेंगे लूप रूल अप्लाई करते वक्त, मान लेते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम करंट का ऐसे चलता हुआ मान लेते हैं। एक लूप है तो कोई तो करंट घूम रहा होगा लूप में, और लूप रूल कहता क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं ना ए बी का मतलब हो गया वी बी माइनस वी ए, सी डी का मतलब हो गया वी डी माइनस वी सी, बीच में छूट रहा है उसे देखो, कौन छूट रहा है चेक करिए, इसे सी डी वाला है ना, तो बी सी भी तो है, ये देखिए बी सी के लिए कैसे सोचेंगे वी सी माइनस वी बी। अब देखिए सी डी के लिए क्या सोचेंगे वी डी माइनस बी सी। अगला वाला देखिए ये डी ई, तो साथ में हो जाएगा वी डी वी ई माइनस वी डी। नेक्स्ट आप देखिए ई एफ, वी एफ माइनस वी ई। आगे देखिए एफ जी, ये सारे वी एफ माइनस वी जी माइनस वी एफ। फिर आ गया ये जी ए, वी ए माइनस वी जी। अच्छा बड़ा कष्ट हो गया, नहीं बहुत ज्यादा आ गया है। तब आप लोग थोड़ा सा अकल लगा के देखिए, यहाँ क्या ऐसा है अलजेब्रा फिजिक्स मत लगाइएगा। देखिए तो प्लस भी यहाँ दिख रहा है, क्या माइनस भी दिख रहा है, प्लस भी ए यहाँ दिख रहा है, माइनस भी ए यहाँ दिख रहा है, क्या प्लस भी ए भी दिख रहा है, क्या प्लस वी सी यहाँ दिख रहा है, माइनस वी सी दिख रहा है, वी डी दिख रहा है प्लस, माइनस वी डी दिख रहा है। तो आपने केवल नाम ले लिया, अरे सम करके लिख दिया जीरो। एक तो ये तरीका होता है इसे सोचने का, दूसरा तरीका हो सकता है इसी लूप को देखने का वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी प्लस वी ई माइनस वी एफ प्लस वी एफ माइनस वी जी प्लस वी जी माइनस वी ए, और ये सारे कट पिट के क्या हो जाएंगे जीरो। ऊपर वाला भी सारा क्या हो गया था जीरो। हम लोगों ने यहाँ ये लिख करके समझने की कोशिश की कि सारे एलिमेंट का यदि हम नाम लिख लेते हैं, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हम देख रहे हैं, उनका जो सम आ रहा है वो सम क्या आ रहा है, वो तो जीरो। अब इसको लिखते वक्त ध्यान से देखिए वी ए माइनस वी बी आप क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी आप लिखेंगे माइनस आई इंटू टू। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि माइनस आई इंटू टू लिखेंगे, तो देखो करंट आ रहा माना है आपने बी से ए, और आप जानते हैं कि हायर से लोअर करंट जाता है पोटेंशियल, तो यदि आप लोअर कहते हैं ए को हायर कहते हैं बी को, तो वी ए माइनस वी बी को निगेटिव आना ही चाहिए। लेकिन यदि कोई वी बी माइनस वी ए लिखेगा, यहां देखिएगा
वी वी माइनस वी ए लिखेगा तो वो लिखेगा प्लस टू इंटू आई। तो ये यहां दो तरह के साइन कन्वेंशन क्लास में सिखाए जाते हैं, एक वी ए माइनस वी बी, जैसे मैंने मन ही मन सोचा ये भी किस लूप की बात कर रहा है, ये भी किस लूप की बात कर रहा है, इन लूप ए बी सी डी ई एफ जी ए, और ऊपर वाला भी उसी लूप की बात कर रहा है। लेकिन दोनों से जो रिजल्ट लिखा जाता है, दोनों के सोचने के तरीके में अंतर के कारण जो रिजल्ट लिखा जाता है, उनमें प्लस माइनस का डिफरेंस आता है। तो कोई एक तरीका आपको फॉलो करना है। यहां ये देखिए कि कोई एक तरीका आपको फॉलो करना है, आप दोनों देख लीजिए, उसके बाद कोई एक पे भरोसा करिए और फिर उनके साथ रहिए, बदलिएगा मत अपना तरीका, उनके साथ चलिए बदलिएगा नहीं अपना तरीका। देखिए मैं जिसको ज्यादा यूज करता हूं वो नीचे लिखा हुआ, उसको मैं आपको समझा रहा हूं। अपने उंगली को लेकर के चलिए यहां, अच्छा ये कौन सा चैप्टर है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आया तो इसलिए एकदम रंगीन कर दिया, बहुत बढ़िया। फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट है चैप्टर का नाम। ऐसे जब टेढ़े मेढ़े लाइन बनाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, और ऐसे जो बैटरी बनाई जाती है ये हायर पोटेंशियल कहलाता है, ये लोअर। और बैटरी पे यदि 5 वोल्ट लिखा हुआ है तो इधर कहते हैं पी और इधर कहते हैं क्यू। वीपी माइनस वीक्यू लिखा जाएगा प्लस 5 वोल्ट, लेकिन VQ माइनस VP लिखा जाएगा माइनस 5 वोल्ट। आप ऐसा जब बैटरी बनाएंगे दुकान से खरीद के लाके ना, तो कंपनी में बनाने में तो बड़ा टाइम लगता है बालक, उसका चित्र बनाने में भी बड़ा टाइम लगता है। तो कंपनी वाला एक बैटरी खरीद के ले आओ, निप्रो बैटरी लाया तुमने, ये मैंने मांग लिया, और उस पर पढ़ो कभी, 10 रुपया दोगे तो दुकान वाला जो बैटरी देगा उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। निपो कंपनी नहीं अच्छा लग रहा है तो एवरेडी ले लो, और वो भी नहीं अच्छा लग रहा है तो बिना कंपनी के ले लो, रद्दी सा कोई चाइनीज वाला उठा लो, ठीक ना। और वैसे भी चाइनीज भाषा में कुछ भी लिखा रहे तुम्हारा क्या जाता है, कंपनी का जो भी हो। ये 1.5 वोल्ट का क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करो, प्लस माइनस, एनोटेट ऑन करो ऊपर, होस्ट बना दीजिए। तो आप यदि समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, मैं समझाऊंगा, और यदि कष्ट में है ज्यादा कोई बात नहीं, उठक बैठक करवाने की मैं व्यवस्था कर देता हूँ। ठीक है, दिक्कत है क्या, मैं पढ़ाऊं या रहने दो? तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन पूछिए, और जिनके समझ में आ रहा है वो रिलैक्स करिए। तो बैटरी के दोनों टर्मिनल पे जैसे 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, तो एक इसका मतलब क्या होता है कि एक तरफ लोअर कहीं आप लिख रहे हो, लोअर लिखने में ज्यादा अक्षर लिखना पड़ता तो माइनस साइन दे देगा बैटरी वाला, और एक तरफ हायर पोटेंशियल लिखना चाहते हो तो उसके लिए वो प्लस साइन दे देता है। अब यदि इसको हम इतना डिजाइनदार बैटरी बनाएंगे तो उससे अच्छा है कि एक लाइन खींच लो बड़ी और छोटी, तो बड़ी लाइन हायर पोटेंशियल को शो करेगा, छोटी लोअर पोटेंशियल को। और यदि लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट
इसका मतलब है कि इसके जो दोनों तरफ के पॉइंट्स होंगे, जैसे मैं कहता हूं ए और बी, इसमें वी ए हायर है और वी बी लोअर है, ये हो जाएगा 1.5 वोल्ट। और लेकिन यदि कोई लिखता है वी बी माइनस वी ए, ये हो जाएगा -1.5 वोल्ट। तो बहुत से तो ट्वेल्थ के बच्चे को भी ये नहीं पता रहता है, आपको भी नहीं पता रहे, और आप जानते हैं कि तो आप स्लॉट, अच्छी बात, संयोग अच्छा है अभी, लेकिन जब कभी काम पड़ेगा और वही पूछ दिया जाएगा तो फिर गलती से नाइन्थ क्लास से चले आए हो इसमें क्या, इस हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। देखो मैं एनोटेट ऑन करके तुम्हें रिमूव कर दूंगा, यदि चाहते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं तो समझना है तो पूछो, क्वेश्चन करो। केवल बोर्ड पे आप लिखोगे तो उससे मैं अनकंफर्टेबल होता हूं ना। ओ ये बात है, बड़े अच्छे बच्चे हो यार, इंटेलिजेंट, शानदार। एक काम करता हूं, मैं एनोटेट ऑन करने की कोशिश करता हूं, या दूसरा ये काम करता हूं,